नमस्कार, आज हम बिलासपुर कोचिंग डिपो द्वारा विकसित कोच के टॉयलेट में लगे नेचुरल फोर्स्ड वेंटिलेशन प्रणाली के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि कोच में बायोटैंक लगने से पहले नेचुरल वेंटिलेशन कॉमोड चूट के माध्यम से होता था, पर बायोटैंक लगने के पश्चात यह नेचुरल वेंटिलेशन बंद होने के कारण यात्रियों को टॉयलेट में दुर्गंध की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए हमने नेचुरल फोर्स्ड वेंटिलेशन सिस्टम का प्रयोग किया है। इस सिस्टम में दो 75 mm डायमीटर के GI पाइप एवं फनल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगाए गए हैं और इन दोनों पाइप की एक एक ओपनिंग टॉयलेट के फ्लोर में दी गई है। जब भी गाड़ी चलती है तो जिस दिशा में गाड़ी चल रही है उस दिशा से ताजी हवा फनल और पाइप के माध्यम से कोच के टॉयलेट में लगातार प्रवेश करती है और टॉयलेट में मौजूद दुर्गंध को अपने साथ में लेकर दूसरी ओपनिंग से बाहर निकल जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम के एक छोर से फ्रेश एयर प्रवेश कर रही है एवं दूसरे छोर से अंदर की हवा बाहर की ओर निकल रही है। इस प्रयोग के लिए टॉयलेट में फॉगिंग के माध्यम से एयर सर्कुलेशन देख सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अंदर की फॉग्ड एयर गाड़ी के चलने की दिशा के विपरीत वाले फनल से बाहर आ रही है। इस सिस्टम का परीक्षण विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागपुर के द्वारा किया गया है। यह परीक्षण छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस एवं शिवनाथ एक्सप्रेस के नेचुरल फोर्स्ड वेंटिलेशन सिस्टम युक्त टॉयलेट में किया गया, जिसमें ऑल्फेक्टोमीटर एवं टेडलर बैग के द्वारा टॉयलेट की ऑडर कंसंट्रेशन मापी गई और अन्य टॉयलेट की अपेक्षा दुर्गंध लगभग 75% तक कम पाई गई। यह सिस्टम टॉयलेट के दुर्गंध से निपटने के लिए काफ़ी इफेक्टिव है और साथ ही साथ किफ़ायती भी है, जिसकी लागत लगभग 8000 रुपये प्रति कोच है। इस प्रणाली को रेलवे बोर्ड ने बहुत सराहा और सभी जोनल रेलवे को अपने कोच में इस सिस्टम को लगाने के लिए निर्देश जारी किए हैं।